स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल डिस्कवरिंग योरसेल्फ में। मैं भवेश शास्त्री आपका अपने इस YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा सेशन है 10, जिसका टेके चैलेंज 91 है। तो आइए हम इसको करते हैं सॉल्व। क्या दिए हुए डॉक्यूमेंट में आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को टॉगल केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो टॉगल केस में कन्वर्ट करने के लिए होम टैब के यहाँ पर चेंज केस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे टॉगल केस, नीचे है इस पर करेंगे क्लिक, जो कि अधिकतर हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं टेके चैलेंज 92। अब दिए हुए डॉक्यूमेंट में एक इंडेक्स बेस बनाना चाहते हैं, बिल्ट इन ऑटोमेटिक टेबल या स्टाइल का उपयोग करके टेबल ऑफ कंटेंट डालने के लिए आप किन चरणों का अनुसरण करेंगे? तो आइए हम देखते हैं किस तरह से करेंगे इसे सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए ये होम टैब है, तो हमें पे रेफरेंसेस के टेबल ऑफ कंटेंट ब्लॉग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल टू, ऑटोमेटिक टेबल टू उसको करेंगे सिलेक्ट। इस तरह से होता हमारा टेके चैलेंज सॉल्व। तो आइए हम टेके चैलेंज 93 को करते हैं सॉल्व। आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट डालने के लिए किन चरणों का अनुसरण करेंगे? उपलब्ध सूची में कोई भी शैडो इफेक्ट लगाएं। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, शैडो लगाने के लिए सिंपली करेंगे यहाँ पे शैडो पे टेक्स्ट थियोग्राफी पे क्लिक और यहाँ पे हमारा यहाँ पे शैडो का ऑप्शन, शैडो में से कोई भी एक शैडो को हम करेंगे क्लिक और ये हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट। टेके चैलेंज 94 में क्या है कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में एक उपयुक्त शैडो इफेक्ट डालने के लिए आप किन चरणों का अनुसरण करेंगे? सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में उपयुक्त शैडो इफेक्ट डालने के लिए किन चरणों का अनुसरण करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ करेंगे शैडो, वापस से वही और यहाँ पे करेंगे किसी एक पे क्लिक। नेक्स्ट टेके चैलेंज 95 है हमारा, एक निबंध तैयार कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट में कवर पेज लगाना चाहते हैं, तो दिए हुए में बिल्ट इन फैसेट कवर पेज कैसे इंसर्ट करेंगे? तो जब बात आ जाती है हमारे इंसर्ट करने की, तो वो होगा हमारा इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में और यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे कवर पेजेस पे। तो हमारा क्या था, इंट्रीगल, तो यहाँ पे है हमारा सॉरी फैसेट था, तो सिंपली हमारा फैसेट यहाँ पे है, तो सिंपली इसको करेंगे क्लिक और ये होगा हमारा टेके चैलेंज सॉल्व। नेक्स्ट टेके चैलेंज 96 है, जो कि क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध अनगिनत साधनों के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने का काम करती है, कौन करती है? तो वेब। नेक्स्ट टेके चैलेंज हमारा है 97, जो कि स्क्रीन पर दिखाई गई छवि को देखें, यह ऐसे एप्लीकेशन है जिनका प्रयोग डैश के लिए किया जा सकता है, तो वेब पेजेस को देखने के लिए किया जा सकता है, जो कि मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ये गूगल क्रोम, किसी भी वेब पेज को देखने के लिए। तो आइए हम देखते हैं टेके चैलेंज 98। तो विकास अपना पेटीएम प्रोफाइल देखना चाहता है, उन्हें किन चरणों का अनुसरण? पेटीएम प्रोफाइल देखने के लिए सिंपली विकास के जहाँ विकास लिखा है उसके ड्रॉप डाउन एरो पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर विकास का व्यू प्रोफाइल पर करेंगे क्लिक। नेक्स्ट टेके चैलेंज हमारा 99 है, 99 में पंकज जीमेल पेज पर अपनी ईमेल देख रहा है, वह गूगल कैलेंडर का उपयोग करना चाहता है, इसे किन चरणों का अनुसरण करना होगा? तो गूगल कैलेंडर का उपयोग करने के लिए सिंपली यहाँ पे जीमेल खोलने के बाद यहाँ पे जो ऐप्स का आइकॉन होता है, जिसमें बहुत सारी ऐप्स होती है, तो सिंपली इसी प्रकार का आइकॉन पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पर देखिए कैलेंडर का ऑप्शन। इस तरह से हमारा ये टेके चैलेंज सॉल्व। टेके चैलेंज 100, टेके चैलेंज 100 में कि रमेश अपना आधार कार्ड वैध और सक्रिय है या नहीं यह पुष्ट करना चाहता है, किन चरणों पर अनुसरण करना चाहिए? तो यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर, सिंपली इस पर करेगा क्लिक और यहाँ पे आधार नंबर डालेगा और यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ पे भरेगा, भरने के बाद यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे क्लिक। इस तरह से पता चलेगा आधार हमारा सक्रिय है या फिर निष्क्रिय है। तो इस तरह से हमारा ये टेके चैलेंज हो जाता है सॉल्व। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और जो भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को करें लाइक, अगर नहीं लगी तो करें डिसलाइक। जो भी क्वेश्चन है आप हमें बेहिचक कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।